क्लास 8th 9th में था, 8th 9th में था, तो मेरा मैथ बहुत पुअर था, मैथ पढ़ने से बहुत कतराता था, बहुत डरता था, और मास्टर हर दिन मेरे पे ही गुस्सा निकालता था कि तुम्हारा बेटा किसी काम का नहीं है। और बिहार का एक फैशन है कि हर बाप चाहता है मेरे बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बने। वाकया ये है कि मैं क्लास 8th 9th में था, 8th 9th में था, तो मेरा मैथ बहुत पुअर था, बहुत पुअर, और मैथ पढ़ने से मैं कतराता था। अरे सुनाया होगा, बच्चा जानता भी होगा, मैथ पढ़ने से बहुत कतराता था, बहुत डरता था, और मास्टर हर दिन मेरे पे ही गुस्सा निकालता था। और हमारे पिताजी सरकारी जॉब में थे तो ट्रांसफर होता रहता था, तो सही से ट्यूशन पकड़ता कि ट्रांसफर कभी सीखने का इच्छा होता सीखना शुरू करते ट्रांसफर सुनो तो ट्रांसफर होता रहता उनका, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। अब घटना ये घट गया कि जब ऐसी होती थी तो मैथ से हमको रियली लिटरली बहुत डर लगता था। और वो 9th में गया तो और उसमें क्या क्या बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठिट्टा बिट्टा बहुत सारे पढ़ना पड़ता है, कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री आपका, अब और दिमाग में घुसे। अब घटना ये घटा कि प्रिंसिपल हमारे पिताजी से परिचित था, वहाँ बोला कि तुम्हारा बेटा किसी काम का नहीं है, और बिहार का एक फैशन है कि हर बाप चाहता है मेरे बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बने। अब डीएम का सपना हो गया लोगों को, लेकिन तब सपना क्या था, डॉक्टर या इंजीनियर। तो पिताजी सोचे कि जो बेटा है इसको इंजीनियर बना दूंगा, और इंजीनियर बनने के लिए मैथ ना है तो किस काम का इंजीनियर बन नहीं सकता वो। अब पिताजी से मिले तो मैं चुपके से दरवाजे पर सुन रहा था, बोले प्रिंसिपल जी की अपने बेटे को समझाइए। पिताजी बोले मैं समझा कर थक गया हूँ, प्रिंसिपल हुआ कि मैं मारते मारते थक गया हूँ। तो करता क्या है, बोला कि नहीं कोई बदमाशी भी नहीं करता घर पे, लड़का तो शरीफ है, कुछ करता नहीं है तो पढ़ता क्यों, क्या मामला इसको आता कि नहीं, इसको समझाया जाए। तो प्रिंसिपल समझाता नहीं था। ये दुख भरी कहानी मैं सुन रहा था दोनों की वार्ता। पिताजी बड़े मायूस थे, हमको लगा कि यार मैथ नहीं आता, मैं इंजीनियर बन नहीं पाऊंगा, सपना इनका टूट जाएगा। तो अगले दिन क्लास में गया, अब मैं भी थोड़ा उदास हो गया, तो एक किताब प्रिंसिपल ने दिखाया, मैथ के मास्टर ने किताब दिखाया, इस किताब को अगर तुमने पढ़ लिया ना तुम 10th में टॉप कर जाओगे। गाइड वुड गेस उस होता है ना, गाइड किस मिलता रहता है, गाइड वगैरह। अब क्या हुआ, हमने उस गाइड को देखा, बड़े बारीकी से स्कैन कर लिया और तुरंत गया बाजार, तुरंत गाइड खरीद के ले आया कि टॉप करके दिखाऊंगा पापा को। अब समझ तो आता नहीं कुछ मैथ, हमने क्या किया मैथ लिया, मैं गर्मी की कहानी सुना रहा हूँ, छत पे चला गया, चिचलाती धूप जून जुलाई में, छत पे कमरा मिलता है, वहाँ छत पे था, और किसी को नहीं पता कि मैं घर स्कूल से घर आया, घर जाना छत पे चला गया, मम्मी पास हो तो खेल ले उन ले गया होगा अपने आप से, तो छत पे गया और 2 घंटे पसीने पसीने होकर के मैथ को रटना शुरू किया, रटना रटना। अब ये बात सोचो मैथ रटने की चीज़ है कभी नहीं ना, लेकिन हमने रटना शुरू किया, रटना शुरू किया, रटना शुरू किया, रटना खूब, मेरी याददाश्त बहुत तेज थी, मैं खूब रटता। अब स्कूल में मास्टर क्वेश्चन लिखता तो मुझे तो क्वेश्चन याद था, हम उसका आंसर ले कॉपी में तैयार, कोई लड़का दिखाए तब से लीजिए सर, वो मास्टर कहता क्या है ये मंद बुद्धि इंसान, दिखा रहा लीजिए सर, ठहर, तब तक महीना दो महीना और बीत गया, 3-4 महीना और बीत गया, फिर कुछ देता जी सर, बैठ ऐसे यहाँ बोर्ड पे आ, तू नकल कर रहा है इसका मतलब, तू गाइड रखा है क्या रखा है यहाँ। मास्टर पहले बोर्ड बुलाता था, पता होगा आप लोगों को, तो बोर्ड पे आ, बोर्ड बुलाया, बोलो क्वेश्चन लिखो, पहले बोर्ड पर लिखे, तुमको तो क्वेश्चन भी याद था, कहा के कि सब लिखे, लिखते जा रहे हैं, क्वेश्चन समाप्त, फटाफट फटाफट आंसर समाप्त, लीजिए सर। मास्टर कहा कि तुम पहले क्यों नहीं बना, पहले तुम क्यों बना था, हमने कहा आता था पहले भी, मैं बताता नहीं था। बोला पक्का, बोला कि हाँ, और यकीन मानो 3-4 महीने के अंदर मैथ समझ में आना भी शुरू हो गया, समझ में आना, क्योंकि फॉर्मूलाज रटे, कहाँ अप्लाई होता वो दिमाग लगाए, और जो चीज नहीं आता उसके हाथ धो के पीछे पड़ गए, तो पूरी तरह से पीछे पड़ गए आना चाहिए। और मैथ इतना कमांड हो गया कि आज भी मैथ से खेलता हूँ, इतना कमांड हो गया, लेकिन इंजीनियर नहीं बना क्योंकि मेरा सपना इंजीनियर का था ही नहीं, लेकिन मैथ में सबसे हाईएस्ट नंबर स्कूल में लाया
और पिताजी आज भी पीठ ठोकते हैं कि बेटा तूने किया क्या था, लेकिन राज की बात मैंने किसी को बताया नहीं। अब तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए अब तो आप लोगों को प्रेरणा के लिए बताता हूँ। तो ये कहानी सत्य कहानी है। तो हमने मैथ रटने की चीज नहीं है, लेकिन जब रटना शुरू किया तो समझ में आना भी शुरू हुआ। वही बात आज के तुम्हें अगर आपको ना समझ में आए तो उसे बार 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 पढ़ो, समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा और टिप ऑफ द टंग भी आ जाएगा। बस मैं बात को